बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरी वीडियो का टाइटल है वो है पोटैटो वायरस एक्स यानी कि PVX। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। तो सबसे पहले कहते हैं कि पोटैटो वायरस एक्स इज़ द वाइड स्प्रेड वायरस इन्फेक्टिंग मैनी कमर्शियल स्टॉक थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो कि पोटैटो वायरस एक्स है ना, PVX जो वायरस है वो वाइड स्प्रेड है, वायरस है जो इन्फेक्ट करती है जो कमर्शियल स्टॉक है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज़ नोन टू काज यील्ड लॉस ऑफ अप टू 50% इन सम वराइटीज। कुछ वराइटीज में ये जो है तकरीबन 15% जो है ना यील्ड लॉस काज करता है। सिम्टम की अगर बात करें तो इट मे शो सिम्टम्स रेंजिंग फ्राम अ मेल्ड मोल्टिंग ऑफ द लीफ टू अ स्वेयर मोज़ेक। मसलन अगर उसके सिम्टम की बात करें तो कहता है कि जो मोल्टिंग मसलन इसमें मार्क्स होते हैं, मसलन स्पॉट्स बन जाना, ब्लॉचेस वगैरह बन जाना, ये लीव के ऊपर जो है ना बन जाते हैं, और जो स्वेयर कंडीशन है उसमें मोज़ेक बन जाते हैं, मसलन ग्रीन येलो पैटर्न वगैरह बन जाते हैं, और उनकी क्लोरोटिक वेन जो वेन्स होती हैं वो क्लोरोटिक हो जाती हैं, और जो लीव साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज इन साइज ऑफ लीव्स, मोज़ेक इन लीव्स, और जो लीव्स हैं प्लांट्स के उनके ऊपर येलो ग्रीन पैटर्न सा बन जाता है, और नेक्रोटिक लीजन इन ट्यूबर्स, जो इनके ट्यूबर्स होते हैं उन पर नेक्रोटिक लीजन आ जाते हैं, मसलन डेड पार्ट्स होते हैं, नेक्रोटिक मीन डेड जो सेल्स हैं या डेड लीजन होंगे ट्यूबर के ऊपर। डार्फिंग ऑफ द प्लांट एंड रिड्यूस लीफलेट साइज, जो प्लांट का साइज है वो छोटा हो जाएगा, स्टंटिंग ग्रोथ होगी इसकी, और जो इसका लीफलेट साइज है वो भी रिड्यूस कर जाएगा। इट इज ऑफन एसोसिएट विद अदर वायरस व्हेन इट कैन काज सिग्निफिकेंट यील्ड रिडक्शन। कहता है कि जब ये किसी और वायरस के साथ जब ये एसोसिएट करता है तो इसकी वजह से सिग्निफिकेंट यानी काफी हद तक इसकी जो यील्ड काज है वो इसमें रिडक्शन हो जाती है। जैसे कि हम इस डायग्राम देख सकते हैं, ये सिम्टम्स से शो कर रहा है कि इसके PVX के डिजीज स्प्रेड बात कर रहा है कि जो डिजीज है वो किस तरह स्प्रेड करती है। कहता है PVX इज प्राइमरी मैकेनिकली ट्रांसमिटेड। कहता है कि जो PVX की प्राइमरी ट्रांसमिशन है वो मैकेनिकली होती है, वो फॉर एग्जांपल बाय प्लांट टू प्लांट कॉन्टैक्ट, मशीनरी कॉन्टैक्ट इन फील्ड, सीड ग्रेडर्स एंड कटर ETC। मसलन जो हम जब वो प्लांट टू प्लांट एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं, या जो मशीनरी हम फील्ड में यूज करते हैं उनकी वजह से, या सीड्स वगैरह के लिए जो ग्रेडर या कटर वगैरह हम यूज करते हैं उनकी वजह से जो है प्राइमरी ट्रांसमीटर हो जाता है। इट मे ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय सम च्यूइंग इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट की वजह से भी होता है। च्यूइंग इंसेक्ट ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो जिनमें ट्रांसमिटेड बाय सम च्यूइंग इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो कि सॉलिड चीजों को ग्रिडल करने के यानी कर सकते हैं। इट इज नॉट एफर ट्रांसमिटेड। PVX इज ऑफन अ लेटेंट वायरस, फॉर एग्जांपल द सिम्टम्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। कहता कि जो ये एफर्ट वगैरह से ट्रांसमिटेड नहीं होते, लेकिन जो PVX है वो लेटेंट वायरस है, मसलन इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जो है आम आंख से नहीं देख सकते। इसके आगे डैमेज की बात करें तो यील्ड रिडक्शन होती है, ठीक है, जो ट्यूबर क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ट्यूबर जो है अनयूजेबल फॉर प्रोपोगेशन यानी कि उसको हम नेक्स्ट प्रोपोगेशन के लिए ये यूज नहीं कर सकते। कंडीशन फॉर डिवेलपमेंट, कहता है कि द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ट्यूबर एंड डिस्पर्स बाय विंड, एनिमल, मैकेनिकल डिवाइसेस, कटिंग ब्लेड्स, कॉन्टैक्ट बिटवीन प्लांट्स और प्लांट रूट ETC। जो वायरस है कहता है वो ट्रांसमिट होता है बाय ट्यूबर एंड डिस्पर्स बाय विंड, विंड की मदद से या एनिमल की वजह से या मैकेनिकल डिवाइसेस जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं या कटिंग ब्लेड्स वगैरह हो गए या प्लांट का रूट वगैरह के साथ कॉन्टैक्ट की वजह से, ये सारे वेज हैं जिसकी वजह से वायरस जो है ट्रांसमिट होता है। और उसके बाद कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ PVX, PVY एंड PVA कैन काज मोर सीवियर सिम्टम। अगर वो कहता है कि ये वायरस आपस इन वायरस की जो कम्बिनेशन है इनकी वजह से जो वायरस है सीवियर सिम्टम्स काज करता है।
मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें कहता है कि यूज़ ऑफ डिजीज़ फ्री सी ट्यूबर, जो हमने सी ट्यूबर यूज़ करने हैं वो डिजीज़ फ्री होने चाहिए, बर्निंग इन्फेस्टेड प्लांट होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट इन इन्फेस्टेड फील्ड होने चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।